मैं बिग बॉस नहीं देख रही, मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा, बट आई विश हर ऑल द बेस्ट. शी इज़ अ लवली गर्ल, आई थिंक शी शुड विन. मैं अभी आप लोगों से ही सुन रही हूँ कि वो लोग सोच रहे हैं कि वो फेक है. मुझे नहीं लगता वो ऐसी लड़की है कि वो फेकनेस दिखाई सकती है. वो जो अंदर है वो बाहर है. सो आई एम होपिंग पीपल आर लाइकिंग हर इन बिग बॉस. एंड शी इज़ वेरी क्यूट, शी इज़ वेरी स्वीट. आई थिंक सच अ पर्सनैलिटी शुड विन अ ट्रॉफी एंड कम आउट. मैं देख नहीं रही तो मुझे पता नहीं क्या है, बट अगर दोस्ती है तो बहुत अच्छी है. वो दोस्ती निभाए. What do you think, Manara, को अगर दोस्ती करना चाहिए या गेम भी खेलना चाहिए अंदर, तो किसके साथ खेलना चाहिए? मुझे नहीं पता. How can any I say? Any I can't say anything because I'm not watching the show. I just don't want to say anything, just like that. So ये जानना चाहिए, what was the most difficult thing for you in this character? The most difficult thing was to become Kali, because I could not connect with a widow like that. So connecting with Kali and becoming Kali herself was the most challenging thing. But वो हो गया था, थोड़ी बहुत डांट खा के, थोड़ी बहुत मार खा के. और वहाँ पे actually हम real विधवा आश्रम में shoot कर रहे थे, so वो surrounding भी वैसी थी. So it was a difficult part, but I could become Kali. Okay, so ये trailer आप देख कर लग रहा है, video तो है ही, but third gender के बारे में भी बताया गया है. हाँ जी, यस यस. से देखकर ऐसा लग रहा है, यू नो अगर वीडियो ना हो तो वो पूरा ताली जैसा ही पोस्टर लग रहा है. सो व्हाट यू हैव टू से? एक्चुअली देयर इज नो सिमिलैरिटी बिटवीन बोथ ऑफ देम. ये जेन्युइनली एक लव स्टोरी है और ये एक म्यूजिकल लव स्टोरी है. बहुत सुंदर गाने हैं. एक विधवा और एक थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर के बीच में एक लव स्टोरी है. हम बिकॉज दोनों को हक नहीं है, दोनों को सोसाइटी ने हक नहीं दिया कि वो एक फैमिली बना पाए. देयर आर टू मेनी जजमेंट्स ऑन देम. एंड व्हाट वी आर सेइंग इज बाकी सब छोड़ दो. वो इंसान है, दे आर ह्यूमन बीइंग्स, दे आर लाइक अस, दे आर अस, एंड देयर इज़ नो डिफरेंस. सो अगर हम को प्यार करने का हक है, हमें शादी करने का हक है, हमें बच्चे करने का हक है, हमें अच्छी ज़िंदगी जीने का हक है, तो उन लोगों को भी है. That's about it. So it's actually a love story between these two people. Also, you know, ये जानना चाहेंगे इस किरदार के लिए आपने क्या-क्या अपने ऊपर वर्कआउट किया? कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी. सुबह उठती थी, मेकअप हेयर था नहीं. सुबह उठती थी, मुंह धोती थी, साड़ी पहनती थी और शूट करने चली जाती थी. See, the work was internal. The work was not external. There was nothing which was done external. इंटरनल काम बहुत था, क्योंकि मुझे उस विधवा के जैसे सोचना था एंड वो करने में टाइम लगा. अदरवाइज़ यूजुअली मूवीज़ में तो लुक पे काम होता है, बाल ऐसे, मेकअप ऐसे, कपड़े ऐसे. इसमें तो कुछ था ही नहीं, पूरी मूवी में एक साड़ी पहनी हुई है मैंने. सो इंटरनल अवेकनिंग टू दोज पीपल हु आर बीइंग कम्प्लीटली इग्नोर्ड एंड टू दोज पीपल जिनको हम शायद जानते ही नहीं है, उनके जैसा महसूस करना, उनके जैसा रहना, वो दैट वाज द थिंग दैट आई हैड टू डू. वेल, वीडियो के बारे में तो ठीक है, पर ट्रांसजेंडर्स की अगर मैं बात करूँ, क्या आपने उनसे मिलकर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की कभी कोशिश की? अगर जानने की कोशिश की तो कैन यू प्लीज शेयर? मैंने वो नहीं करी ऑनेस्टली, बिकॉज बहुत ही डिस्टिंक्टिव एक संदीप का हमारे को वो था कि मुझे विधवाओं के की ज़िंदगी समझनी है और अभी को यूनक्स ट्रांसजेंडर्स की ज़िंदगी समझनी है. तो हम दोनों वो जिंदगियाँ समझ रहे थे. मैं उस ज़िंदगी में घुसी भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट जो मेरे को अभी बताता था, हर बारी वापस होटल बनारस में होटल आके, वो काफ़ी पेनफुल होता था. बिकॉज हम जानते नहीं हैं कि वो लोग रहते कैसे हैं. तो जब अभी ने वो जाना कि वो लोग किस हालत में रहते हैं, कैसे कमाते हैं, कैसे अपनी जीवन अपना जीवन जीते हैं, दैट वाज क्वाइट पेनफुल. ओके, ये जानना चाहेंगे इस मूवी हर मूवी से कोई ना कोई हर किरदार से कुछ ना कुछ सीख मिलती है, बट आप
आपसे हम जानना चाहेंगे इस मूवी से और इस किरदार से आपने पर्सनली क्या कुछ सीखा और अडॉप्ट किया? मैंने एक चीज सीखी कि नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड जेंडर सो मच, मैंने एक चीज़ सीखी, जो फर्स्ट और सेकेंड जेंडर है ना, आई थिंक दे आर वर्स देन द थर्ड जेंडर. जो एक मर्द और औरत है, हम खुद ही अंदर से इतने ख़राब है कि हम अपने आप को इतना पावरफुल समझ लेते हैं कि हम थर्ड जेंडर के बारे में डिसीजन लेना चाहते हैं कि उनको क्या, उनको कैसी ज़िंदगी जीनी चाहिए. सो आई थिंक द वन थिंग दैट आई लर्न इज़ वी आर सो डर्टी फ्रॉम इनसाइड दैट वी हैव टू रियली क्लेंस आवर सोल टू लेट पीपल लिव एंड नॉट बी जजमेंटल. मैंने अभी 10 दिन पहले एक न्यूज़ देखी थी जहाँ पे आई थिंक 18-19 साल के ट्रांसजेंडर लड़के ने सुसाइड कर लिया था बिकॉज उसने एक वीडियो डाली थी मेकअप करते हुए. वो उसने क्यों सुसाइड किया? क्योंकि हमारे जैसे लोग, जो फर्स्ट और सेकंड जेंडर जिनको हम बोलते हैं, हमारे जैसे लोग ने उसको इतना ट्रोल किया कि उस बेचारे को सुसाइड करना पड़ा. सो वी आर वेरी डर्टी फ्रॉम इनसाइड. सो हमको अपने अंदर से अपने आप को साफ करना पड़ेगा, देन वी विल बी एबल टू से एनीथिंग अबाउट एनी जेंडर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू.